हाँ स्वप्न में जो आते हैं वो सच्चा होते हैं, स्वप्न में जो आते हैं हाँ। वो सच्चा होते हैं। Is whatever we see in dreams true? बता दिया ना, आदमी अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। It has been said, hasn't it? A person performs good as well as bad actions. दुकान में बैठा हुआ आदमी कपड़ा फाड़ता है सारे दिन, वो तो अपना धंधा कर रहा है। A person sitting in a cloth store tears, that is, cuts cloth throughout the day. He is doing his job. सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। He tears cloth throughout the day, and he tears his dhoti in the night, that is, in sleep. तो कैसा स्वप्न हुआ? So, what kind of a dream is it? अच्छा स्वप्न। A good dream. अच्छा स्वप्न हुआ, धोती फाड़ दी। Was it a good dream? That he tore his dhoti. नहीं बाबा, अभी बाबा आते हैं ना। ये बताओ, ये बताओ। Tell me. उस कपड़े बेचने वाली दुकानदार ने रात में अपनी धोती फाड़ दी सपने में, वो अच्छा कर्म हुआ या खराब कर्म हुआ? That shopkeeper who sells clothes and who tore his dhoti in the night in dreams, was that a good action or a bad action? It is bad. अब इसमें बुराई क्या है? वो अपना धंधा करता है तो धंधा न करे, बाल बच्चों को न पाले। Well, what is bad in this? He is doing his job. Shouldn't he do his job? Shouldn't he sustain his children? पाले या न पाले? Should he sustain them or not? Yes. हैं? फिर उसे बुरा स्वप्न क्यों आया? Then, why did he have a bad dream? बुरा स्वप्न है, अच्छा स्वप्न। Not a bad dream, Baba. A good dream. वो अच्छा स्वप्न है। Is that a good dream? अच्छा नहीं बाबा। हाँ। हमारी आत्मा के लिए अच्छा स्वप्न आते बाबा। That is not a good dream, Baba. ओहो, हम ये आपके प्रश्न को समाधान करने के लिए इस मिसाल दिया। ओहो, I gave this example to solve your query. कि वो अपनी धोती फाड़ देता है, उसकी धोती बिचारे की फट गई सपने में, वो अच्छा स्वप्न आया है या बुरा स्वप्न आया? He tears his dhoti. That poor man's dhoti got torn when he was dreaming. Was that a good dream or a bad dream? है? बुरा आया। It was bad. बुरा सपना आया, बुरा काम हुआ, उसका नुकसान हो गया। He saw a bad dream. He did a bad act. He suffered loss. है ना? He did, didn't he? और वो भोगी साबित हुआ या योगी साबित हुआ? And was he proved to be a bhogi or a yogi? Bhogi साबित हुआ। He was proved to be a bhogi. जो bhogi होते हैं वो बुरे कर्म करते हैं, और जो योगी होते हैं, Those who are bhogi perform bad actions and those who are yogi, योग है कर्मसु कौशलम। योग है कर्मसु कौशलम। Efficiency in actions itself is योग। योग वो है जो कुशल कर्म करना सिखाता है, झूठ उसमें उसमें गलती हो ही नहीं सकती। योग इज दैट व्हाट टीचेस अस टू परफॉर्म स्किलफुल एक्शंस, देयर कांट बी एनी मिस्टेक इन द एक्शंस एट ऑल। कोई ऐसे हैं कहते हैं हम दूध उबालने खड़े हुए अंगीठी पर और बाबा की याद में इतने हम मस्त हो गए कि दूध फैल गया। सम से आई वाज स्टैंडिंग बाय द स्टोव to boil milk and I was so intoxicated in Baba's remembrance that the milk overflowed from the container. दूध उफन गया। The milk overflowed. तो अब ये वो याद में था या कहीं बुद्धि और भाग गई थी? So, well, was he in remembrance or did his intellect run somewhere else? हाँ, वो योगी नहीं था, भटकी हुई बुद्धि थी। Yes, he was not a yogi. His intellect wandered somewhere else. ऐसे ही है। It is the same case. अच्छे कर्म करने से अच्छे स्वप्न आएंगे। If you perform good actions, you will have nice dreams. और बुरा कर्म करने से बुरा स्वप्न। And if you perform bad actions, you will have bad dreams. आप कहेंगे
वो उसने क्या बुरा कर्म किया, वो तो अपने कपड़े बेचता है दिन में। यू विल से विच बैड एक्शन डिड ही दैट इज द शॉपकीपर परफॉर्म, ही सेल्स क्लोथ्स इन द डे टाइम। बुरा कर्म ये किया कि रात में सोने से पहले उसने भगवान को याद नहीं किया। द बैड एक्शन दैट ही परफॉर्म्ड इज बिफोर स्लीपिंग एट नाइट ही डिड नॉट रिमेम्बर गॉड। बस 24 घंटे उसको अपना धंधा दोरी ही लगा रहता है। He is busy only in his business for 24 hours. और गीता में क्या कहा है? And what has been said in the Gita? गीता में कहा है कि यज्ञ के अलावा, ईश्वरीय सेवा के अलावा, जन कल्याण के अलावा, सारे विश्व के कल्याण के कर्म के अलावा दुनिया में जितने भी कर्म हैं, वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले। इट हैज बीन सेड इन द गीता दैट एक्सेप्ट फॉर द यज्ञ, एक्सेप्ट फॉर द डिवाइन सर्विस, एक्सेप्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, एक्सेप्ट फॉर द एक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल टास्क्स ऑफ द वर्ल्ड बाइंड यू इन द बॉन्डेज ऑफ एक्शंस, कर्म बंधन। तो वो इतना धंधे में लिप्त हो गया, कपड़े फाड़ने के धंधे में, कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि हमें भगवान का भी याद करना चाहिए। So he became so immersed in the business of tearing clothes that he did not remember at all that he should remember God as well. हाँ जी, याद सेवा इक्वल अब। Remembrance and service should be equal. हाँ, याद और सेवा का बैलेंस रहे। Yes, there should be a balance between remembrance and service. ऐसे नहीं हम सेवा में इतने मस्त हो जाएं कि आत्मिक स्थिति की याद ही न रहे, देहभान में आकर के कर्म करने लगे। It should not be the case that we become so busy in service that we do not remember the soul conscious stage at all and we start performing actions in body consciousness. मान लो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं और आत्मिक स्थिति हमारी खत्म हो गई, देहभान आ गया, हम उसको डांटने लगे। Suppose we are doing service, we are narrating the knowledge to someone and we lost our soul conscious stage and become body conscious. We start scolding him. ये तू कैसे बोलता है? और उल्टे पल्टा झगड़ा करने लगे। How do you say this? And we start quarreling with him. तो ये देहभान आया, आत्मिक स्थिति रही। So, did we become body conscious or did we remain in soul conscious stage? देवान आ गया। We became body conscious. तो balance रखें। So, we should maintain a balance. ऐसे ना हो कि balance बिगड़ जाए। It should not be that the balance is disturbed. तो सेवा की जगह disservice हो जाएगी। Then, instead of service, disservice will take place.